मॉर्निंग आप सभी को। ये बहुत ही सुहावना एक दिन है और आप लोगों का स्वागत है चांदनी स्लैम बुक में। रोज चांदनी आप लोग को गुड मॉर्निंग बोलती है। आज सोचा मैं आके आपसे रूबरू हूँ, आप लोग को गुड मॉर्निंग विश करूँ। और कैसे हैं आप लोग? सब सही? हम लोग भी सब सही चल रहा है। चांदनी का आजकल थोड़ा सा तबीयत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं क्योंकि उसके पैर में चोट है, कल रात को फिर से दर्द किया, लेकिन ओवरऑल सब ठीक ही चल रहा है। दिन की शुरुआत करने के पहले और वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग देखेंगे वहाँ पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के कृपया, एक घंटी आएगी उसमें, जैसे ही आप दबाएंगे ना तीन बेल्स के निशान आएंगे, तो सबसे ऊपर वाला अगर आप दबा देंगे तो फिर आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलेगी जैसे ही हम लोग नए वीडियो को अपलोड करते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग के मोटिवेशन से, आप लोग के सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा तो पता ही आप लोग को। तो इसीलिए ये दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग देखेंगे कि आज चांदनी कुछ स्पेशल बना रही है कि नहीं, आज का सारा दिन कैसा होगा, और कुछ अगर स्पेशल बनाती है तो बल्ले बल्ले। और अभी जाएंगे हम लोग चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे, बहुत तेज भूख लगी है और काम पे भी बैठना है। तो आप लोग देखते रहिए और साथ रहिए हमारे साथ पूरा दिन। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या था? ये था एक तरीके की चाय जिसमें न चाय पत्ती है न दूध है। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने चांदनी को बोला डालने के लिए हल्दी कच्ची वाली, और अदरक है, अदरक भी डाली ना, अदरक है, और साथ में काली मिर्च है। इसको लौंग भी डालने बोला था लेकिन लौंग वो भूल गई तो अब से डालेगी। और गुड़ का पाउडर है मिठास के लिए, चीनी नहीं है। और साथ में और क्या है, नींबू है, ठीक है। सुबह सुबह गरम गरम चाय इस तरीके से बनाइए। और इसमें तुलसी का पत्ता और मिंट भी पड़ता है, लेकिन मेरे पास दोनों है नहीं, तो मिंट तो मंगवा लेंगे, तुलसी का पत्ता मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी तो सब ठीक है। इसको एक्चुअली बोलते हैं एक तरीके का, इसमें मैंने जैसे हल्दी वगैरह ये सब मैंने डलवाया है चांदनी को बोल के, क्योंकि इसमें हल्दी में बहुत कर्क्यूरिन एसिड होता है जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और हल्दी एक एंटीबायोटिक उसमें फैक्टर्स होते हैं हल्दी में, तो आपके शरीर में जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उसको मार देता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप हल्दी भी डालो। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान और वो सब साइड में ना एक जगह है हुंजा वैली, वहाँ के लोग ये चाय पीते हैं। वो हमारे जैसे चाय नहीं पीते, दूध चाय वाली चाय, वो ऐसे टाइप की चाय पीते हैं। और उसके उससे क्या होता है, उनका लाइफ बहुत लंबा, मतलब एवरेज उन लोग 100-100 साल तक बचते और स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए मैंने, मुझे तो 100 साल बचने का कोई वो सब नहीं है, लेकिन जस्ट शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैंने चाय जो है पीना अवॉइड कर रहा हूँ, छोड़ा नहीं हूँ क्योंकि मुझे चाय की बहुत तलब है, तो चाय अवॉइड कर रहा हूँ और ये स्टार्ट किया हूँ। देखो कितने दिन कंटिन्यू कर सकता हूँ, आप लोग जुड़े रहिए। कल से ही मैंने सोच के रखा था कि मैं आज सुबह जल्दी उठ के ही शैम्पू कर लूंगी, नहा लूंगी, तेल को वॉश ऑफ कर लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आज हम दोनों बहुत लेट से सो के उठे, तो पानी तब तक गर्म हो गया था। पानी गर्म हो जाती है 9 बजे के बाद, मतलब 9 क्या 8:30-9 से ही आप पानी यूज नहीं कर सकते हो नहाने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि पानी बहुत गर्म हो जाता है ऊपर की टंकी होती है। तो खैर मैं वैसे ही चिपकू हूँ, ऑयल लगाया हुआ था कल का, अभी तक है वही। तो हमने क्या था, हमने लंच कर लिया है, हमने लंच में रोटी, सूखी सब्जी और सैलेड खाया है। अभी मैं दही का शरबत बनाऊंगी क्योंकि गर्मी में हालत बहुत खस्ता है, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था आज इवनिंग के लिए, इवनिंग मतलब डिनर प्रिपरेशन के लिए मुझे थोड़ा सा पनीर ऑर्डर करना था क्योंकि ये पालक मंगवाए थे लास्ट टाइम ब्लिंकिट से, तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा अलग सा बनाते हैं, पालक पनीर बनाते हैं।
तो पालक पनीर के लिए इतनी धूप में बाहर जाना था, तो ये बोले कि मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देता हूँ, कुछ ऑर्डर करना है तो बता दो। तो मैंने कहा ठीक है, क्या सिर्फ पनीर ऑर्डर करेंगे? तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें जो खत्म हुई नहीं थी लेकिन होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो उसको ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा अभी अभी ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर में है एक आटा, एक चावल का पैकेट, एक मैदा, एक दही और ये पनीर। मैदा भी मैंने मंगवाया है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, ये बाद में बताऊंगी। यहाँ मैंने बर्फ वो अपना दही का पैकेट काटा तो देखा कि वो बिल्कुल ही बर्फ हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये ऐसे हार्ड बर्फ हो चुकी है, तो जिसकी वजह से मुझे पहले इसमें पानी डालना पड़ा, नहीं तो ये मेल्ट नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, तब तक तो शाम हो जाएगी शायद से। तो मैंने ऐसे पानी में डाल के रखा और धीरे धीरे चलाती रहूँगी, क्योंकि दही को पहले फेंट के फिर पानी मिलाना सही रहता है, तो आज मुझे पहले से पानी मिलाना पड़ा। कोई बात नहीं, कुछ तो बनी जाएगा। हमने लंच कर लिया है, शरबत भी पी लिया है। अब मैं सोच रही थी कि अपने डिनर की प्रिपरेशन मैं अभी से करूं, तो डिनर में आज मैंने सोचा है कि मैं पालक पनीर बनाऊंगी। और पनीर तो मुझे डिलीवरी मिल गई थी पनीर की, और पालक मेरे पास ऑलरेडी है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ इजी वे में, मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और पूरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और अभी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। यहाँ मेरा पानी उबल गया है तो मैं इसको ऑफ ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पालक को ब्लांच करना है, तो मैं ऑफ कर देती हूँ या फिर पहले डाल लेती हूँ फिर इसको। एक चम्मच से दबाती भी रहूंगी। अभी आंच को धीरे कर देती हूँ और पालक को धीरे धीरे इसमें डाल लेती हूँ। और अभी मैं इस टाइम पे गैस को थोड़ा सा बढ़ा के ये ऑफ कर दिया। मैंने ठंडे पानी से इसको निकालने के बाद थोड़ा सा उसको निचोड़ लिया है, एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा भी निचोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी लेने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर पानी कंटेन करता है। अभी मिक्सचर पे इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मैंने तेल में डाला थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता और ये सूखी लाल मिर्च जो हम तड़के के लिए डालते हैं। अब मैंने वो प्याज जो मैंने फाइनली चॉप किया था, बहुत ही फाइन छोटा छोटा काटा था, उसको मैं अभी फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के बाद बाकी चीज़ें मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह भर भर के नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि हमें बस फ्लेवर के लिए ही चाहिए। ये रहा मेरा तेज पत्ता, ये रहा मेरा सूखा लाल मिर्च और ये इसमें जीरा और प्याज। इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जितना फाइनली आप इसको चॉप करेंगे ना प्याज को, वो उतना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, जल्दी से फ्राई हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर मैं ये कढ़ाई में खाना बनाती हूँ ना, बहुत ही फ्री होके आराम से बना पाती हूँ, और बाकी उसमें बहुत दिक्कत होती है मुझे खाना बनाने में, क्योंकि उनकी डेप्थ कम है ना, पूरा छिट्टा मारने लगता है ना, तो छींटे आके गिरते हैं गरम गरम तेल के। प्याज मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, अब इसी में मैं प्याज और लहसुन अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी मैंने बहुत कम डाला था।
घर में अपने और इनके लिए बना रही हूँ, तो मैं क्यूब्स को ऐसे क्यूब्स में काट रही हूँ छोटे छोटे। बाकी अगर मेहमानों के लिए बना सकते हैं तो आप थोड़ी बड़ी बड़ी क्यूब काट सकते हैं। मैं पनीर को फ्राई नहीं करूंगी, पनीर को डायरेक्ट डालूंगी। अब मुझे लगता है कि ये आप हमें हल्दी, चुटकी भर धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है इसी कटोरी में। इसका कलर बहुत ही प्यारा बना हुआ है, लेकिन मुझे ना बिल्कुल ही एकदम पत्ते का जो कच्चा कलर होता है वैसा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे इस तरह से थोड़ा सा डार्क ग्रीन अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वो हरे पत्ते जैसा ही कलर रहता है ना तो वो उतना टेम्पटिंग नहीं नजर आता, तो थोड़ा सा ऐसे कलर चेंज होता है तो मुझे अच्छा लगता है। फेटी हुई दही मैं मिला दूंगी और चलाती रहूंगी। ये दही ही मुझे कमाल की लगती है, क्योंकि इसी से वो फ्लेवर आता है। मैंने पनीर को छोटा छोटा काटा है, आप थोड़ा सा बड़े स्क्वायर में भी काट सकते हैं। थोड़ा सा दही का पानी और डालूंगी क्योंकि ये भी सूख जाएगी। जीरा पाउडर, इसको डालने में कंजूसी ना करें। मैं इसमें बटर डालूंगी लेकिन अभी नहीं, जब रात को मैं डिनर करूंगी तो डिनर से पहले जब इसको गरम करूंगी तो एक चम्मच बटर मैं ऊपर से डाल दूंगी, तो ये थोड़ा सा बटरी बटरी बनेगा और यम्मी हो जाएगा और भी ज़्यादा। अभी मैंने बटर नहीं डाला है, वो मैं रात को डालूंगी जब मैं इसको गरम करूंगी। सफाई चल रही है? हाँ जी, टॉयलेट की। वेरी गुड। आज वैसे बहुत सुबह से तुम्हारा काम चल रहा है ना? हाँ, सोचती हूँ ये कर लूँ उसके बाद बैठूंगी, ये कर लूँ उसके बाद बैठूंगी, ऐसा करते करते जब काम खत्म ही नहीं होता। ड्राई वॉश कर रही हूँ? नहीं, ड्राई वॉश नहीं कर रही, धोऊंगी जितना पॉसिबल होगा। अभी बज रहे शाम के 7:30 और अभी आप देख रहे हैं कि मैं नहा के जस्ट निकली हूँ और फिर काम तो पूरे अभी तक नहीं हुए हैं। मैंने कपड़े धोने के लिए लगाए थे, वो वेट कर रहे हैं कि कब मैं उन्हें फैलाऊंगी, तो मैं उन्हें बाद में फैलाऊंगी, क्योंकि सिंस मॉर्निंग मैं और ये दोनों ही काम कर रहे हैं लगातार बिना बैठे बिना ब्रेक लिए। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, इनको भी दे देते हैं, क्योंकि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं घर का। तो अभी मैंने थोड़ा सा टी टाइम के लिए ये बनाया चाय और मुरमुरा। मुरमुरे को मैंने थोड़ा सा ऐसे अचार के तेल वगैरह से प्याज वगैरह डाल के नमकीन वगैरह डाल के बनाया है, मिक्स किया है। तो अभी हम लोग ये इंजॉय करें, इसके बाद मैं कपड़े फैलाऊंगी और उसके बाद मैं रात को पराठे बनाऊंगी, तब जाके मेरा काम डन होगा। काम तो चलता ही रहेगा, फिलहाल हम लोग ये इंजॉय कर लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, क्योंकि बहुत दिनों बाद पालक पनीर बना है घर पे और मेरा फेवरेट है जो कि, और साथ में पराठे हम लोग के घर में आजकल थोड़ा बंद है बिकॉज वेट बढ़ गया ना मेरा, तो मेरी बीवी थोड़ा सा मेरे को नाप तोल के खाना देती है, लेकिन आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इतना अच्छा पालक पनीर बना रही है, देख के खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, तो मैंने बोला कि यार पराठे बना दो, तो उसने एक बार में ही बोला कि ठीक है मैं बना दूंगी, और हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, आप लोग भी साथ में रहिए।
मैं डिनर ये कमरे में ही लेके आ गई हूँ। बेड पे मैंने ये बिछा के डिनर रख दिया है, क्योंकि बाहर कुकिंग करने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, तो इतना अच्छा यमी यमी खाना गर्मी में बैठ के पसीना बहाते हुए अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हम लोग कूल कूल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा इसको फिनिश करेंगे और कल मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर।